पाकिस्तान बमुकाबला यूएसए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला। फुल डिटेल्स आपको देने जा रही है क्या, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के बारे में आपको बताने जा रही है क्या, तमाम तरह आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलने जा रही है क्या। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स में आप लोग बताएँ पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप जीत सकता है या पढ़ने कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के, ज़रूर कॉमेंट्स के अंदर बताइएगा और अभी के अभी बताइएगा। लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो उसका सिंपल तरीका यह है कि आपको लिंक दिया गया है नीचे फेसबुक पेज पर, अगर आप देख रहे हैं तो पहला लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करके आप आज टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस को देख सकते हैं। पाकिस्तान के मुमकिन प्लेइंग 11 के अंदर कप्तान बाबर आजम होंगे और इनके साथ साथ नाजरीन कराम अगर हम बकिया खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो मोहम्मद रिजवान आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके साथ साथ मोहम्मद उस्मान को नंबर 3 पर रखा जाएगा, जबकि नंबर 4 की बातचीत करते हैं तो फ़खरे पाकिस्तान फ़खर जमान आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर अगर हम 5 की बातचीत करते हैं तो 5वें नंबर पर मौजूद हैं आज़म खान, को कि आप लोग तनकीद करेंगे लेकिन असल काम तो इनका अब शुरू होने जा रहा है क्योंकि यूएसए के पिचेस जो लो डेड पिचेस होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। उसके बाद इफ्तखार अहमद आपको देखने को मिल जाएंगे और इनके साथ साथ नाजरीन कराम इमाद वसीम की भी एंट्री के कन्फर्म चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन पर इमाद वसीम का रोल काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। शदाब खान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। शदाब खान के कन्फर्म और पक्के चांसेस इस वजह से हैं वो मैं आपको आगे चलकर थोड़ा सा बताता हूँ। लोग कहेंगे कि अबरार वगैरह को मौका देना चाहिए लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर शदाब को ही मौका दिया जाएगा। और इनके साथ साथ नसीम शाह आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं। और इनके साथ साथ नजरें करा मोहम्मद आमिर और इनके साथ साथ हारिस रऊफ या अबरार अहमद, इन दोनों में से एक खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें।